इन्होंने एसडीएम के आगे हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ते हुए दिखाई दिए हैं। चूंकि भाजपा विधायक पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, हाथ जोड़कर कहा कि जनता परेशान है, प्यासी मर रही है, आप बता दो किससे बोलें, इतना कहकर पैर भी चूने लगे। इसके बाद एसडीएम हर्षल चौधरी ने विधायक का बयान याद दिलाया, मुस्कुराकर कहा कि मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं तो मेरे पैरों में पड़े। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बीजेपी विधायक ने वानप्रस्थ की बात कही थी, घर छोड़ने और लोगों से पैर नहीं पड़वाने की बात कही थी। जनता बहुत दुखी है साहब, प्यासा मर रही है साहब, माता बहने बटका ले बैठी, उन्हें पता ही नहीं है कि कब पानी आएगा, कौन सा कहे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे और उनकी बहू ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। मुख्यमंत्री के नवविवाहित पुत्र वैभव यादव और पुत्रवधू शालिनी यादव ने भगवान श्री महाकालेश्वर के धाम पहुंचकर आशीर्वाद लिया है। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव मौजूद रही, पुजारी राजेश शर्मा ने पूजा पाठ सम्पन्न करवाया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भी मंदिर प्रशासक के निजी सहायक प्रशांत त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया था। उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बात करेंगे इंदौर की, जहां स्कूली बच्चों ने ट्रैफिक सुधारने के लिए मोर्चा संभाला। तो ट्रैफिक मैन रंजीत के साथ स्कूली बच्चे लोगों को समझाइश देते हुए नजर आए हैं। स्कूली बच्चों ने कहा है कि लोग सुरक्षित जीवन जिए, इसके लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। वहीं ट्रैफिक मैन रंजीत ने कहा कि शायद हमारे समझाने से जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन पर इन बच्चों की अपील का ही असर हो जाए। अक्सर आपने स्कूल और कॉलेजों में देखा होगा कि गणित, हिंदी या तमाम विषयों की पाठशाला लगती है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर की ट्रैफिक की पाठशाला। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको पालन कराने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। किस तरह का संदेश आप लोग दे रहे हैं? हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि जो ट्रैफिक में लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं, रॉन्ग साइड से फिर दूसरे सामने वाले का भी नुकसान हो जाता है और फिर खुद को सबसे ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं सिर में अगर लग जाए तो फिर मुश्किल होता है बचना। आप लोग पहुंचे हैं, लोग देख रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे, किस तरह से उनको समझाएं? सर हम लोग उनको हाथ जोड़ के बहुत ही प्यार से कह रहे हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और जितना हो सके उतना नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाइए, जिससे आप भी सेफ रहेंगे और आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। और हेलमेट का यूज करने के लिए हम ज्यादा अवेयर करें ताकि जब भी एक्सीडेंट हो तो वो सेफ रहे। देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक मैन रंजीत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों के साथ उनसे बात करेंगे। सर अक्सर गणित हिंदी की पाठशाला लगती है, आपने तो आज ट्रैफिक की पाठशाला लगा दी बच्चों के साथ। देखिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा प्रयास है, जो हमारा जो शहर है धीरे धीरे अनसेफ शहर हो गया है, मध्य प्रदेश दुर्घटनाओं नंबर 2 पे आ गया है। तो यकीन मानिए ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ में लेकर, कहीं हमारे में कुछ कमी हो सकता है कि लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हो, तो हम बच्चों को साथ में लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर करें। उनके ही बच्चे, उनके ही घर के चिराग हैं जो रोड पर उतरे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं कि प्लीज रूल्स फॉलो कीजिए, हेलमेट पहनिए, सेफली घर जाइए, क्योंकि हम अनसेफ सिटी नहीं करा सकते। अगर हम नंबर 1 हो सकते हैं सफाई में तो सुरक्षा में भी हम नंबर 1 बन सकते हैं। लोग यहाँ आके ड्राइविंग करने में सेफ फील करें, हमारा प्रयास है कि हम शहर जो है हमारा देश का सबसे सेफ शहर कहलाए, इस वजह से हम स्कूल कॉलेज के में भी जा रहे हैं और बच्चों को भी रोड पे लेके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम स्कूली बच्चे हैं वो ट्रैफिक मैन रंजीत के साथ यहाँ पर रिगल चौराहे पर मौजूद हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको सेफ ड्राइविंग करनी है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 इंदौर। और अब बात करेंगे मौसम की खबर की। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां पर अचानक से आज मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश के साथ ओले गिरे जिससे तापमान में गिरावट आई, तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी पहुंचा। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर की ओलावृष्टि और बारिश का मंजर ऐसा कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18।